फरमाया सजरा वगैरह ये रस्मी चीज है, यहाँ दिल के सजरे से काम है। दिल समझ रहे हैं, दिल यही वारिस पाक की सूरत, दिल क्या है, यही वारिस पाक की सूरत है। अपनी सूरत को तो बेच चुके, उसके एवज में वारिस पाक की सूरत ये ली है। और सरकार ने फरमाया है कि ये तो तुम्ही लोगों का हिस्सा, जितने भी वारसी हैं, ये जो सूरत है सब वारसियों का हिस्सा, सब वारसियों के वारिस एक ही है, वारिस पास सबके रूहानी बाप। जो इस सिलसिले में दाखिल हो गया, चाहे वो पहले का हो चाहे आज का भी, वो सब वारसी है और सब वारिस पाक का मुरीद है। सरकार वारिस पाक के सिलसिले इरादत और बैयत में जो भी दाखिल हो गया, वो सरकार वारिस पाक का ही मुरीद है। उसी तरह से सिलसिले एराम पोशी में जो भी दाखिल हो गया, वो सब सरकार वारिस पाक का ही फकीर है। जो सरकार आलम पना ने अपनी तरीकत में अपना लिबास बनाम खरका जारी किया है, वही तो चला आ रहा, कोई दूसरा नहीं चला आ रहा। और सरकार ने फरमाया भी है कि लो यही लिबासे जिंदगी है और यही तुम्हारा कफन है। और फरमाया है कि इसी वजह से रहना और इसी वजह से मरना। वजह क्या है? एहराम की। वजह क्या है? एहराम की। वजह क्या है? सरकार जिसको भी लिबास दिए हैं तो उसे यही फरमाया है कि इसी वजह से रहना और इसी वजह से मरना, यानी एहराम की वजह से रहना और एहराम की वजह से मरना। आपने 15 साल की उम्र में जिस उन्वान से एहराम बांधा और उम्रा किया और मनासिक हज अदा किया, तो एहराम नहीं खोला बल्कि इसी वजह में रहना अख्तियार किया और दुनिया भर में तबलीगी दौरा इसी एहराम की वजह में किया। यूं कहते हैं तो यहाँ पर यह होगा कि आप काबा से जाहिर हुए, आप एहराम की वजह में काबा से जाहिर हुए और तादमे वेसाल एहराम बांधे रहे और एहराम ही में वेसाल फरमाया। ये जो कुल होने जा रहा है चैत मेला, ये आपके विशाल की कमा है, समझ रहे? पहली सफर थी और सन 1323 हिजरी था और 7 अप्रैल सन 1905 ईस्वी था, महीना चैत का। ये चैत का महीना आपके वसाल का महीना और पहली रमजान को आलम पनाह जो है आलम गीती पर तशरीफ लाए, यानी पहली रमजान
1238 ईस्वी को आलमगीति में तशरीफ लाए, यानी इस दुनिया में तशरीफ लाए, यानी लिबास बशरी में तशरीफ लाए। लिबास बशरी में लाने से नूर की जो है कैफियत नहीं बदलती, नूर जैसा था वैसा ही नूर रहा। जैसे ये पैकिंग लगा दिया है तो पैकिंग अलग है, ये मिठाई वगैरह अलग है, लेकिन इसकी भी कदर है जब तक ये मिठाई है। तो लिबास बशरी में सरकार आलम पना तशरीफ लाए, यानी नूर मोहम्मदी तशरीफ लाए लिबास बशरी, नूर फुक्र तशरीफ लाया लिबास बशरी, नूर फातिमा लिबास बशरी तशरीफ लाया। सरकार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है ना कि फातिमा बिन्ती तुम मिन्नी, फातिमा मेरा जिगर पा रहे हैं, पापा मेरे जिगर का टुकड़ा है। और सरकार ने फरमाया हमको फकीरी हमारी दादी यानी सईदा बी फातिमा से मिली है, हम अली के वारिस हैं और अली हमारे वारिस हैं, यानी कलंदरी जो है हुजूर को मौला अली से आता है और फकीरी हुजूर सईदा बी फातिमा से आता है। इसलिए आप जानशीने अली और वारिसे फातिमा, यूं तो सभी सादात एहतराम के काबिल हैं, ताजिम के काबिल हैं, उनसे मोहब्बत भी करनी चाहिए, लेकिन हुजूर आलमपना सैयदु सादात भी हैं और फकीर भी, सैयदु सादात भी हैं और फकीर भी हैं। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की 26वीं पुल से आप दुनिया में तशरीफ लाए और आपके आबा व अजदाद 1000 पहले दातागंज बख्श अली हिजबेरी के काफिले में, यानी सैयद अशरफ अबी तालिब के काफिले में या दातागंज बख्श अली हिजबेरी के काफिले में निशापुर से उस खुरासान से लाहौर यानी हिंदुस्तान में तशरीफ, दातागंज बख्श वहीं क्या फरमा लिया और आप दिल्ली होते हुए किंतु तशरीफ लाए बाराबंकी में, एक तो वहां एक कस्बा रसूलपुर खुद बसाया और वहीं सकूनत पजीर हुए। आपकी 9 पुश्त कस्बा किंतुर से जो मुत्तसिल मौजा है रसूलपुर, वहां आपके आबा व अजदाद मदफून है, वहां एक रोजा दादा मियां के नाम से मशहूर है, यानी दादा मियां वहां कहा जाता है हजरत सैयद अलाउद्दीन आला बुजुर्ग को। ये आला बुजुर्ग जो है ये पोते हैं सैयद अशरफ अबी तालिब के, और सैयद अशरफ अबी तालिब ही निशापुर से हिंदुस्तान तशरीफ लाए 5वीं सदी हिजरी में। सिर्फ हसनी सादात और हुसैनी सादात 5वीं सदी में तशरीफ लाए, इनमें सैयद अशरफ अबी तालिब हुसैनी सादात और हसनी सादात जो हैं दातागंज बख्श अली हिजबेरी हैं। हसनी सादात उसको कहते हैं जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की नस्ल में तशरीफ लाए, और हुसैनी सादात उसको कहते हैं जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नस्ल में तशरीफ लाए। तो हुजूर संसा आलम पना ने तरीके वारसिया की बका के लिए 2 चीजें हमारे दरमियान छोड़ा है,
जो आपकी यादगार है, एक आपका लिबास, दूसरे आपके इरशादा, इनसे भी अकीदत रखनी चाहिए, इनमें भी यकीन रखना चाहिए। अगर अकीदत आप रखेंगे तो फैज का दरवाजा खुल जाएगा। ये सब अकीदत वालों के लिए, फैज का दरवाजा अकीदत से खुलता है। और सरकार ने फरमाया यकीन एतेकाद की रूह है, यकीन एतेकाद की रूह है। जिसमें यकीन की कमी है उसमें एतेकाद की कमी है। और यकीन शक सुबह से पाक को कहते हैं। इसके भी तीन दर्जे, एक इल्मुल यकीन, जो किताब और यानी तहरीर और तकरीर से इल्म हासिल हो, जिसमें शक ना हो, वो इल्मुल यकीन है। ऐनुल यकीन ये है कि उसको जिनके बारे में वो जानता है उसका मुशाहिदा हो गया, वो ऐनुल यकीन है। और हक्कुल यकीन है ये है कि उसकी सिफात को देखते देखते उसमें जम हो जाए जात में, यानी अब उसमें वो सिफत आ जाए। जैसे आग है और लोहा को आग में डाल दिया जाए तो वो सुर्ख हो जाएगा, आग की वो सिफत अख्तियार कर लेगा। इस माने में वो हक्कुल यकीन, इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन, हक्कुल यकीन। यकीन की कुव्वत बहुत बड़ी है। अगर ये यकीन हो जाए, इल्मुल यकीन मियां हो जाएगा तो भी उसका काम चल। जैसे अल्लाह ने कुरान में फरमाया है फी अनफुसकुम अफलातुसिरून। अब यहां आया है कि मैं तुम में हूं, ऐ बंदे मैं तुम में हूं, पहले इसका यकीन तो हो जाए। अगर हर शख्स में है वो मौजूद, कोई बाकी नहीं है जिसमें वो मौजूद ना हो, इसका यकीन हो। अगर उसको यकीन हो गया तो यकीनन जो है फिर ये भी हो जाएगा फी अनफुसकुम अफला तुबसिरून, उसको कोई मिल जाएगा, पीरे कामिल, फकीरे कामिल मिल जाएगा, वो तस्दीक करा देगा। तस्दीक की दौलत उसको हासिल हो। सरकार ने फरमाया भी है कि फी अनफुसकुम अफला तुबसिरून, जो समझ गया तस्दीक हो गई। और फरमाया सीने में जो सांस है, सीने में जो सांस चलती है यही जात है, बस तस्दीक मुश्किल है। तस्दीक हजारों में एक को होती, हर शख्स का हिस्सा नहीं, जबानी जमा खर्ची से काम नहीं चलता। सरकार आलम पना ने वक्त बवक्त विसाल 15-20 मिनट पहले एक लंबी सांस खींची और अंदर रोके रह गए। जब वो सांस बाहर निकली है तो सरकार की शक्ल, यानी हम सभी हे वारिस, ये जिस्म से प्रवास कर गई तो एक रोशनी हो गई। अब वो शक्ल जो है हरे रंग में थी, वो जलवा हरे रंग में था। तो उस वक्त बेशुमार लोग वहां मौजूद थे, सब ने सरकार आलमपना की छवि को जो है, जो हरे रंग में तजल्ली थी, उसको देखा। ऐ रूह तजल्ली ठहर जरा, जो दो चार कदम पर रोजा, उस वक्त तन से निकल जाना जब सामने मुर्शिद आ गया। तो तीन किस्म की तजल्ली, एक सफेद रंग की तजल्ली, ये खुदा की तजल्ली,
एक हरे रंग की तजल्ली, ये रसूल की तजल्ली, एक जर्द रंग की रोशनी, ये पीर की तजल्ली। बुलाल बुलाल तो तीन किस्म की तजल्ली। और अब ये भी सुन लो, सरकार आलमपना तीनों तजल्ली में मौजूद हैं, और जिसको चाहते हैं दिखा देते हैं। चलो चलो ठीक आ जाएंगे, इधर बुला लो, आ जाइए। अरे आ जाएंगे सर। तीन रंग की तजल्ली है सरकार की मार्फत सैयद में जब होगी तो तजल्ली हरी होगी, और जब सरकार की मार्फत जो है सफेद तजल्ली में होगी तो ये पीर की तजल्ली है, खुदा की तजल्ली है। और फकीर की तजल्ली जब होगी तो जर्द गहरे जर्द रंग में होगी, और मैं इहराम की होगी। ला इलाहा इल्लल्लाह सभी पढ़ते हैं, इस पर यकीन हो जाए उसको पूरा पूरा, तो फिर दो बात उसके सामने आ जाएगी। एक ला इलाहा पर अमल करना, ला इलाहा पर अमल करना, इलाह है क्या, यही हमारी नफसानी ख्वाहिशात व तमन्नाएं हैं, यही इलाह है, इसी की नफी है। इल्लल्लाह क्या है, ये कुल रूह है, इसका अतबात करना है। उस कुल रूह में आपकी भी रूह है, जिसने पहचाना अपने नफ्स को उसने पहचाना अपने रब को। यहां नफ्स जो है बंदे की जात के माने में, नफ्स अमारा मुराद नहीं है, नफस है बल्कि सांस। मन अरफ है नफसहु फकत अरफ रब्बहु, कुछ लोग ऐसे पढ़ते हैं मन अरफ नफसहु फकत अरफ रब्बहु। अब इसके इसका जो मिलान आप करें तो फी अनफुसकुम अफला तुफसिरून से करें, इसमें जो अनफुसकुम है ये सांस मुराद है यहाँ, नफस न कि नफ्स अमारा। अल्लाह अल्लाह में नफ्स है ही नहीं। तो मन अरफ नफ्सहु फकत, जिसने पहचाना अपने को उसने पहचाना अपने रब को। बात समझ रहे हैं, लेकिन ये भी पहचान आसान नहीं है, बगैर पीर कामिल के पकड़े पहचान भी नहीं होगी। इसीलिए सरकार ने फरमाया कि पीर की सूरत में खुदा मिलता है, जो पीर की शक्ल है बस यही सब कुछ है। पीर की जात में फनाफिल रसूल और फनाफिल्ला का मर्तबा मिल जाता है। और तमसील में मौलाना रूम का ये शेर पढ़ा, चूँ की जात पीर रा कर दी कबूल, हम खुदा दर जातश आमद हम रसूल। जिसने पीर की जात को कबूल कर लिया उसने खुदा रसूल दोनों को पा लिया। अब यहाँ तरीकत में एक देखना है, मौलवी तीन देखता बल्कि चौथो बना लेता, एक अपने को भी पीर बन जाता, पीर खुदा रसूल ये अलग अलग कर देता। यहां है कि एक देख, बात समझ रहा, इसको मोहब्बत में भी एक है, तौहीद में भी एक ही है, एक हो जाना। अब बाबा साहब ने कहा कि ये जो सीख ले दो को एक करना, दो एक हो जाए। तो तरीकत का ताल्लुक दिल से है, और दिल की आंख से देखना, दिल की आंख से सुनना। पढ़े दरूद शरीफ, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद।